से हम पहुंचने वाले हैं रानीपुर मॉल। वैसे जितने भी बड़े बड़े शोरूम हैं ब्रांड्स के, वो सभी जगह पे ही है। मॉल बहुत दूर है यहाँ से, इसलिए भी एक कारण भी है कि शायद वो मॉल इतना चल नहीं पाया और हम भी बहुत कम ही जाते हैं। पर आज जा रहा हूँ क्योंकि आज घर पे हूँ। दूसरा 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड देन देखते हैं जाके क्या कुछ वहाँ पे डेकोरेशन है। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और मॉल कैसा है वो भी आपको दिखाएंगे। लगा रखिए हाँ मास्क और सीट बेल्ट दोनों में लगा रखे हैं क्योंकि आजकल चेकिंग कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है हरिद्वार में। सीट बेल्ट पे चलान वालान कटते हैं अब यहाँ पर, और 1000 रुपये का पता नहीं 500 रुपये का चलान है। मास्क का कुछ पता नहीं है कि दो लोगों को गाड़ी में बैठ के मास्क लगाना है कि नहीं लगाना, या अकेले भी अगर आप कार में हो। मतलब ज़्यादातर वो शोरूम जो पेंटागन मॉल में आपको मिलेंगे ना, वो यहाँ पर भी है, मेरे लेफ्ट में भी पार्क एवेन्यू, वो सब जो शोरूम में है, जो सारे के सारे शोरूम पेंटागन मॉल में है। काफ़ी शोरूम जो है ना वो इस रोड पे भी हैं। अब मॉल में वो तब जाएगा जब उसको वो आर्टिकल यहाँ ना मिले, तो वो मॉल में जाता है। पेंटालूंस का भी शोरूम है यहाँ पे, खैर तो किड्स वाला है। बाकी जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं राइट और लेफ्ट में आप देख सकते हो। आगे से यू टर्न मार के आता हूँ, फिर वापस रानीपुर मोड़ से BHL होते हुए चलेंगे अपन पेंटागन मॉल। कृष्णानगर से मैं आया हूँ, एग्जैक्टली करेक्ट कनखल कृष्णानगर से, और करीब करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास रानीपुर मोड़ होगा। और अब रानीपुर मोड़ से मैं सीधा जा रहा हूँ पेंटागन मोड़। इस एरिया में भी काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, US पोलो और ये पीछे V2 मार्ट गया, वी मार्ट, मतलब आपकी सारी नीड तो ही फुलफिल हो जाती है, तो बंदा मॉल तक जाएगा ही क्यों। वहाँ जाके भी देख लेंगे कि क्या स्टेटस है मॉल का इस समय, मतलब ज़्यादा एरिया वो अच्छा लगेगा या ये, तो देख के मालूम पड़ेगा। गाड़ी की सीट मैंने कर ली है एक्सचेंज, अभी मैं पीछे जो हम आ रहे हैं रानीपुर मोड़ एरिया से आ रहे हैं, और अब जा रहे हैं हम पेंटागन मॉल की तरफ BHL से होते हुए। मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाऊँ रानीपुर मोड़ एरिया और जो पेंटागन मॉल है, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो दोनों जगह मार्केट है, दोनों के शोरूम है, कपड़ों के शोरूम है, वही सब ब्रांड वगैरह। रानीपुर मोड़ पे भी लगभग वो सारे शोरूम्स हैं जो पेंटागन मॉल में भी है। पेंटागन मॉल में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे रिलायंस का है वहाँ पे, रिलायंस ट्रेंड्स वैसे रानीपुर मोड़ पर भी है। बट पॉइंट इज दैट कि क्यों हरिद्वार वाले रानीपुर मोड़ की मार्केट जो बिल्कुल घर के पास है हम लोगों के, उसे छोड़कर मॉल में जाएँ। वैसे लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, तो अपना लोगों का पर्सनल ओपिनियन है। फिलहाल हम जा रहे हैं पेंटागन मॉल में, उसका रीज़न एक ये भी है कि आज 26 जनवरी है, तो थोड़ा देखेंगे कुछ थीम वीम भी है क्या वहाँ पे। अट्रैक्शन एक मेन चीज़ होती है जिसे देखने के भी लिए लोग जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो देखते हैं वो है कि नहीं वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे और सीधा मिलता हूँ आपके मॉल में। तो जी बस अब हम पहुँचने लगे हैं शिवालिक नगर वाले चौराहे पर। किलोमीटर मैंने देखे नहीं कितने आगे हूँ मैं, वो 5-6-7 होगा, अभी तो खैर यहाँ से भी दूर है। शिवालिक नगर वाले चौराहे से हम मुड़ते हैं सिडगुल की तरफ, और वैसे थोड़ा अगर आप दिखाओ सामने की तरफ मैकडोनल्ड की लाइट तो आपको दिख जाएगी, मतलब मैकडोनल्ड का M दिख जाएगा आपको, दिख रहा है क्या? हाँ वो दिख रहा होगा, शायद कैमरे में नहीं आ रहा आपको, दिख रहा है? हाँ। तो बस वही मॉल है, मुझे लगता है यहाँ से अभी कितना किलोमीटर होगा, और अभी देख लेते हैं, 246.9 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी मेरी। हाँ वहाँ मॉल के अंदर भी चलेंगे। सबसे पहले ना इस मॉल में मैकडोनल्ड ही खुला था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और बस हम वहाँ से कनखल से यहाँ पे आते थे सिर्फ मैकडी का बर्गर खाने, 25 रुपए का मिलता था उस समय मैकडोनल्ड, मैकडी शॉर्ट में कहते हैं ना, तो 25 रुपए का मैक आलू टिक्की मिलती थी, और मैक आलू टिक्की हम खाते थे, और तुम खाते भी नहीं थे हम, क्योंकि उस समय बजट इतना होता था, 20-30 रुपए का तेल डला के यहाँ पर आओ स्कूटर में या बाइक में किसी के साथ, वो भी कंट्री करके, और फिर इतनी दूर आके बस हमें यहाँ पे एक 25 का बर्गर नहीं बजट बनता था हमारा। वेलकम टू पेंटागन मॉल। और मैं आपको बताऊँ, जब ये मॉल खुला भी नहीं था ना, तो उस समय यहाँ बाहर बीकानेर करके एक था, पूरे मॉल में सिर्फ वही दुकान खुली हुई थी, तो पार्टी वार्टी करने यहाँ आते थे। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है,
शुरू शुरू में तो हम ना सिर्फ ये देखने आते थे कि अभी जमीन अलॉट हो गई है, क्योंकि ना अखबारों में आता रहता था जमीन अलॉट हो गई है, अब बनेगा। करते करते ही साले 10 साल निकल गए थे बनते बनते इसको। ओ तो भाई साहब अच्छी खासी भीड़ कम नहीं, अच्छी खासी। अगर हम स्टेयर्स से जाएं तो वो सामने से भी जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट से जाएंगे तो उधर से जाना पड़ेगा हमें दूर से। चलो निकलते हैं और आपको मॉल दिखाते हैं। वो है सामने इंडिया गेट, तो वो बना हुआ है जी सेल्फी पॉइंट, शायद इसी चीज़ के लिए यहाँ पर हम आए थे, क्योंकि किसी ने हमें बोला था कि आज यहाँ पे इंडिया गेट बना हुआ है 26 जनवरी जो है आज। ये बढ़िया है ना, ये बढ़िया है। तो जी ये है आज का साइट ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर। और वो बन रहा है माइंड है, सब मॉल में जिस तरफ देखो बस नीचे के कुछ फ्लोर पे शॉप्स हैं, बाकी इधर है रिलायंस। मॉल से हम आ गए हैं नीचे, अब थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, मतलब लेने नहीं आए थे सामान, लेकिन एक वो मार्केटिंग वाला वीडियो देखा होगा कई बार फेसबुक पे, बड़ा ट्रेंड करता है वो, साउथ की मूवी का एक है वीडियो जिसमें दिखाते हैं कि कई एक बार आप स्टोर में घुस जाते हो ना, तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ का ऐसा होता है कि आप ना चाह के बिना पैसे खर्च करके आ ही जाते हो, तो थोड़ा वो सामान हमने भी ले लिया। उसके अलावा आज थी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर, 26 जनवरी है तो लोगों की छुट्टी भी है और थोड़ा माहौल बना हुआ है, बट आपने मॉल पूरा देख ही लिया। सिर्फ एक टोटल मिला के एक या डेढ़ फ्लोर ऐसा है टोटल मिला के जिसमें शॉप्स हैं, सब कुछ है, उसके अलावा बाकी पूरा मॉल जो है ना वो खाली है। वीडियो ये जो मैंने शूट किया है, मैं जो भी वीडियो शूट करता हूँ कैमरा मैंने ले लिया है, और कैमरा ठीक ठाक क्वालिटी वीडियो भी देता है, लेकिन इस कैमरे का जो माइक है ना वो नॉइस कैंसलेशन वाला नहीं है। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट कई बार क्या होता है ना इतनी नॉइस आ जाती है कि कभी कभी गुस्से से और कभी कभी कोशिश करके भी जब वीडियो नहीं ठीक से बन पाती तो मैं उसे अपलोड ही नहीं करता। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, अभी भी मैंने वीडियो तो बहुत सारा बनाया है, जाके सुनूंगा। और ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बिल्कुल आखिरी में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे मेरी वॉइस आई होगी, बट अगर वॉइस नहीं आई होगी तो थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करके ये वीडियो डालूंगा, तो जितने लोगों तक भी पहुँचेगी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करना, लाइक करोगे तो वीडियो थोड़ा रैंक होगा, और नए व्यूअर हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।